बिलासपुर जिला में लगातार माफिया मन अवैध शराब के बिक्री करत हे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मन ध्यान नहीं देवत हे। एकरे कारण ही आज तखतपुर के सरसेनी इलाका के परेशान लोगन लगभग 30 किलोमीटर के सफर तय करके कलेक्ट्रेट पहुंचिन और कलेक्टर ऑफिस के आगू जम के नाराबाजी करत हुए अवैध शराब और अवैध रूप ले संचालित शराब दुकान ला बंद कराए जाए के मांग करिन। आंदोलन में छोटे लड़का से लेके बड़का संख्या में महिला मन घलो विरोध करीन। बता दन के क्षेत्र में अवैध शराब के बिक्री ले गांव मन में शराबी मन के जमावड़ा लगे रही थे, जेकर ले गांव के माहौल खराब हो गए और महिला मन ला घर से निकलना मुश्किल हो जाते, जेकर ले परेशान हो के आज सैकड़ों के संख्या में महिला मन आदिवासी उत्थान संस्था के संग कलेक्टर ऑफिस के घेराव करी और अवैध शराब बिक्री ऊपर कार्यवाही करे के मांग करी। अवैध रूप से बेचा अब अपन पाकिट मन में धरे धरे गली में घूमते एक फोन करा दे तो जेल लंग बला दे तेल लंग लेके जाते है। घर में रोज झगड़ा लड़ाई होते चीज के नुकसान होते तो अलग काम बूता में जाए नहीं दारू पिए जगह जगह पड़े रहते। यह बंद होना चाहिए बच्चा बिगड़ जाते हैं दूर का बिगड़ते तो बिगड़ गए बच्चा मन के सुधार आना चाहिए बोला बंद कराए बार आए पन्नी माला दिन दहाड़े गलीन बेचा कैसे पूरा पानी है। आज हम कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने यहाँ उपस्थित हुए ग्रामीणों के समक्ष ग्रामीणों के साथ जिला प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा हमारी मांगे है कि ग्रामों में जो अवैध तरीके से मक्खियाँ संचालित होती है उसे क्या है बंद किया जाए। इससे ग्रामीण परिवेश में बहुत ही माहौल खराब हो रहा है, बच्चों के युवाओं पे बहुत ही गलत प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो शराब है वो बहुत ही सहजता से ग्रामीणों के लिए उपलब्ध है जो कि हानिकारक है जो अवैध तरीके से संचालित है। अतः हम शासन प्रशासन से यह मांग करते हैं कि इसके कड़ाई से रोक लगाई जाए, यही हमारा। अभी बेरा है छोटे से ब्रेक लेके देखत रहो न्यूज 36 से छत्तीसगढ़ के आवाज़।